वेलकम टू प्योर कुकिंग स्टूडियो में मैं बहुत ही मज़ेदार और ट्रेडिशनल रेसिपी पूरन पूरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये हैदराबादी ट्रेडिशनल है, महाराष्ट्र में कर्नाटक वगैरह में भी बनाई जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ट्रेडिशनल रेसिपी पूरन पूरी। और इसे मैंने पूरा ट्रेडिशनल तरीके में ही बनाया है, अच्छे से समझाया है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम दाल, चने की दाल को पहले से ही बॉयल कर दिया था। मेक श्योर करें कि पानी ना रहे दाल में, और इसे बिल्कुल बारीक पेस्ट सा इस तरह से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर में। अब सारा पेस्ट बना के साइड में मैंने रख लिया है। एक बर्तन में मैं घी गरम करूंगी 50 ग्राम, तो 250 ग्राम दाल के लिए 50 ग्राम मैं घी ऐड कर रही हूँ। ये देसी घी है, असली घी। और इसमें चार पाँच मैं इसमें हरी इलायची डाल दूंगी ताकि पूरन में अच्छी सी खुशबू आ जाए इलायची की। और इसे अब जलाना नहीं है, बल्कि जो हमने चने की दाल का पेस्ट बना के रखा है, बॉयल चने की दाल का पेस्ट, वो इसमें ऐड कर देंगे। और अच्छे से इसे भूनेंगे। इसे इस वक्त तक भूनना है जब तक कि ये डार्क कलर का ना हो जाए। जितना अच्छा पूरन भुने जाएगा उतनी ही टेस्टी पूरन पूरी रेसिपी बनेगी। तो इसे थोड़े से सब्र से अच्छे से इसे भूनना है, मीडियम फ्लेम पर भूनना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा, और लग जाएगा तो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये भूनते भूनते ड्राई हो जाएगा, एक जगह जमा होने लगेगा जब तक हम इसे भूनते रहेंगे अच्छे से। वैसे इसमें मैंने पानी कम डाला था इसीलिए ये जल्दी से सूख गया है। अब मैं इसमें 250 ग्राम शुगर ऐड कर रही हूँ। तो पूरन पूरी मीठी ही बनाई जाती है, वरना ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैंने 1:1 का ये रेशो रखा है। अगर आप शक्कर कम चाहें तो कम अवॉइड कर कम डाल दें, और अगर आप चाहें तो इसे गुड़ से भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी वो भी रेसिपी शेयर करूँगी। और अब इसको हम अच्छे से शक्कर के घुल के इसे ड्राई होने तक इस तरह से मैंने पका लिया है पूरन को। और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के साइड में रख दिया है। इसे ठंडा होना चाहिए, इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे अब हम। वैसे अगर आप बिगनर हैं तो ड्राई फ्रूट्स डालना अवॉइड करें, क्योंकि पूरन पूरी बनाने में आपको मुश्किल होगी। अब यहाँ पर मैंने नॉर्मल सा रोटी का आटा बना लिया है, लेकिन ये रोटी के आटे को बिल्कुल थोड़ा सा लूज़ रखना है, यानी कि बिल्कुल टाइट नहीं रखना है बल्कि नरम रखना है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो जल्दी अच्छे से बनेगी पूरन पूरी। और अब ये सारे पेड़े बनाने के बाद में मैं इसके कॉर्नर्स को स्ट्रेच कर रही हूँ इस तरह से। सिर्फ कॉर्नर्स से हमें पेड़े को बड़ा रखना है और बीच में मोटा रखेंगे। ये इस तरीके से बनाने से पूरन पूरी सही बनेगी बहुत। तो आप जितने मैं टिप्स शेयर कर रही हूँ, आप भी वो टिप्स को अच्छे से ध्यान में रख के आप बनाएंगे तो आपकी भी इंशाल्लाह पूरन पूरी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसी तरीके से सारे पेड़ों को मैं बना लूँगी। स्ट्रेच कर लेना है, कॉर्नर्स को स्ट्रेच करना है बस, और मिडिल में बिल्कुल इस तरीके से छोड़ देना है। अब पूरन बिल्कुल ठंडा हो गया है, इस तरह से हम इसको पेड़ों की शक्ल में बनाएंगे। और जितना आपका आटे का पेड़ा था उससे 1.5 यानी डेढ़ हिस्से आपका पूरन होना चाहिए, तभी पूरन पूरी अच्छी बनती है। अगर आप पूरन कम डालेंगे तो पूरन पूरी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप ख्याल रख लें, पहले ही देख लें आटे के पेड़े से दाल का पूरन का पेड़ा बड़ा होना चाहिए। अब इसी तरीके से जितनी आटे की लोइयां हैं मैं इसी तरीके से पूरन की भी लोइयां बनाऊंगी, और इस तरह से स्टफ़ करेंगे। सारे जो कॉर्नर्स हमने बड़े किए थे वो लेके आके एक जगह पे सील कर देंगे। तो इस तरह से पूरी का हमने पेड़ा तैयार कर लिया। अब सारे पूरी के पेड़े मैं पहले तैयार कर लूँगी इसी तरीके से। इस तरीके से आप जब बनाएंगे पूरन पूरी तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बहुत टेस्टी पूरन पूरी बनी थी ये। अब मैंने सारे बना लिया है। अब एक पूरी को ले लिया है मैंने, एक पेड़े को लिया, और इसे इस तरह से ड्राई फ्लोर डस्ट करके इसके भी मैं इसी तरीके से कॉर्नर्स को थिन कर रही हूँ। इस तरीके से कॉर्नर्स को किनारों से जब हम इसे थिन करते हैं तो बहुत सही बेली जाती है ये। और बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है, थोड़ा सा भी फोर्स नहीं लगाना है। अगर आप आटा पतला रखेंगे तो जिस तरह से मेरी रोटी बड़ी हो रही है उसी तरीके से बढ़ेगी। बिल्कुल आपको आटा पतला रखना है और पूरन बिल्कुल इस तरीके से हार्ड होने तक पकाना है। तो इसी तरीके से आपकी भी बनेगी। और देखिए इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, अंदर से पूरन नज़र आना चाहिए तभी क्वांटिटी सही होती है। अब मैंने तवा गरम कर लिया है, मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे, पकाएंगे पूरन पूरी को। और थोड़ा सा ही पकने पर ही हम इसको पलटा देंगे और अच्छे से एक साइड पकने तक वेट करेंगे। अब
अब देखिए दोनों साइड में पूरन पूरी अच्छी बन गई है, फ्राई हो गई है। अब हम इसे तेल लगा के फ्राई करेंगे। कभी भी तवे पे घी ना डालें, घी के सारे जो फ़ायदे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो एक नॉर्मल ऑयल बन जाता है अगर आप तवे पे घी डालेंगे। तो पहले हम इस तरीके से सेक लेंगे, देख सकते हैं आप कितना अच्छा फूल रहा है, ये फूल रही है पूरी, बहुत ही टेस्टी बनी है ये पूरन पूरी। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर बना के देखें। और मैं बोलना भूल गई, ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है, एक सिस्टर ने इसकी रिक्वेस्ट की थी हमारी। अब हम इस पे घी लगाएंगे, इस तरह से घी लगा के आप इसे सर्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ इस तरह से घी लगा के दूध में डाल के इसे खाया जाता है। अब एक पूरी बना ली है मैंने, इसी तरीके से सारी पूरियाँ बना लेंगे। कॉर्नर्स को हम थिन करेंगे और इस तरह से हल्के हाथ से बेल लेंगे तो जल्दी से बड़ी हो जाएगी। और सेम रेसिपी को हम फॉलो करके सारे पूरन पूरी बना लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये इतना अच्छा फूली है। तो अगर आप पूरन पूरी बना रहे हैं तो डबल देख लें, अगर आपको समझ में ना आया सेम इसी तरीके से आप बनाइए, आपके भी पूरन पूरी बहुत टेस्टी बनेगी। तो ट्रेडिशनल पूरन पूरी की रेसिपी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये पूरन पूरी की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को। और मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलती हूँ। देख सकते हैं आप कितना इवनली पूरन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सारी पूरी में, बहुत ही टेस्टी पूरियाँ बनी है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।